हाय, हमें दिव्यांश और मनुराज और हम जीत चुके हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9 की ट्रॉफी। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, क्योंकि बहुत मेहनत करी हमने इन 3-4 महीनों में और पहले भी ज़िंदगी में करते हैं। भैया 18-19 ईयर से फ्लूट प्ले कर रहे हैं, मैं 12 साल से बीट बॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो ये जो दोनों की मेहनत मिलकर आई है और यहाँ पर जो हमने साथ में मिलकर मेहनत करी, आई थिंक वो रंग लाई है। और आप देखिए कैसे रंग लाई है। सो बहुत ज़्यादा खुश हैं हम और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं आगे की जर्नी के लिए। जैसे कि दिव्यांश ने बताया कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम लोग ने किया है इस शो में, वो पहले कभी ऐसे किसी टीवी शो में नहीं हुआ, और भगवान ने हमको इसके लिए शायद चुना है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत का प्यार हमको मिला है, इतने सारे हमको वोटिंग्स हुई हैं। और शुरुआत में जब मिले थे तो इतना पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन जब हम शो में आए और जजेस का और ऑडियंस का हमको प्यार मिला, फिर मिलता ही गया और इतना मिला कि हमारे हाथ में आज ट्रॉफी आ गई है। जी, ट्विस्ट एंड टर्न्स आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि नहीं तो आप गुलाब नहीं बनते ना कांटों के बिना। तो बहुत बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हैं आई थिंक, बट बहुत मज़ेदार जर्नी रही है, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ वेरी पाथ ब्रेकिंग, बहुत रिवोल्यूशनरी जो हमने किया है और ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है। मैं आई थिंक रैशनली मैं बोल सकता हूँ कि ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है दैट वी हैव वन दिस ट्रॉफी एकदम टैलेंट के अपने दम पर। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। डिफ़िकल्ट म्यूजिकली तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि जो हम पहली बार मिले थे तो उस वक्त जो हमने जैमिंग की साथ में, तो बहुत ही अच्छा साउंड हो रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो भी कर रहा हूँ वो बीट बॉक्स के साथ, वेस्टर्न रिदम के साथ कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन चैलेंज ये था कि हम लोगों को, दुनिया को भी ये बताना था कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हम जब पहली बार मिले, उसके बाद जो हमने ये सब किया, जैमिंग किया साथ में मिले, और दिव्यांश और हम साथ में रहते थे दिन भर रात भर, प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस करते 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 अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और इतना अच्छा हुआ कि कुछ एक नया जॉनर म्यूज़िक का निकल के आया है जो कि सबको बहुत पसंद आ रहा है। जजेस के साथ जो भी हमारा बॉन्ड था वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वार्म रहा है। लाइक जजेस जो है हमारे बहुत वार्म रहे हमारी टूवर्ड्स एंड बाकी कंटेस्टेंट्स के टूवर्ड्स भी। और किरण मैम, लाइक उन्होंने हमें स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और एकदम बच्चों की तरह रखा है हमें, और आई थिंक वो एकदम ऐसे ही क्या करती है जैसे आई थिंक माँ अपने बेटे की करती है। कभी हम कुछ जैसे अभी एक शूट था जिसमें लस्सी भी नहीं थी आई थिंक, और हमें हमारी परफॉर्मेंस बची थी, तो उन्होंने हम बोला कि नहीं अभी लस्सी मत पियो, बाद में पीना परफॉर्म करके ताकि गला ना पकड़े। तो इस तरह के हमारे, और ऑफ कैमरा भी जैसे ही कट होता था तो हम बहुत जोक्स मारते थे और बहुत हंसते थे और बहुत इन्जॉय करते थे उनके साथ, कभी ऐसे बोरिंग डे लगा ही नहीं। सारे जजेस एक परिवार की तरह थे हमारे लिए, और जिसमें किरण मैम बिल्कुल हमको एकदम माँ के जैसा प्यार हमको उनसे मिला, और वो हमेशा हमारा ध्यान रखती थी कि दिव्यांश मनुराज क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस कब होगी, उनकी वो हमारी परफॉर्मेंस का बहुत वेट करती थी हमेशा। ऐसे ही बादशाह सर तो हमारी जब फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, सबसे पहला गोल्डन बजर हमको बादशाह सर से मिला, तो वो एक हमारे लिए वरदान जैसा था। उसके अलावा शिल्पा मैम का प्यार, उनका हुनर सलाम हमारा हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता था, तो उनका हमको बहुत आशीर्वाद मिला। ऐसे ही मनोज सर अपने शब्दों से हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस भर देते थे, तो मनोज सर को देख के ऐसा फील आता था जैसे हम एकदम हमारे बड़े भाई ही हैं। तो सबका प्यार हमको, जैसे हम ऐसा लग रहा था हमको पूरी फैमिली वहाँ मिल गई, तो हमको डर नहीं लगता था परफॉर्म करने में बिल्कुल। ऋषभ चतुर्वेदी फॉर श्योर, क्योंकि हमारा ट्रायो है ये डुओ, तो एक ट्रायो अलग है जो अलग चलता है, जहाँ पे जोक मारे जाते हैं, जहाँ पे बहुत मस्ती करी जाती है। और मैं ऐसे ही आपको बताना भी चाहूँगा कि 18th को हम पहला शो कर रहे हैं और वो हम तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो उस तरह का बॉन्ड है। और आई थिंक शो के बाद क्या ये तो वो बॉन्ड ऐसा बना है कि ये शो के बियॉन्ड है और बहुत आगे जाएगा, और बहुत सारे हम कोलैबोरेशंस करने वाले हैं, बहुत सारे म्यूज़िक बनाने वाले हैं साथ में। तो आई थिंक ऋषभ के साथ हमारा जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा है। मैम पहले तो पार्टी करेंगे उसके बाद ऑन अ सीरियस नोट, सो हम दोनों सिखाते हैं बीट बॉक्सिंग, मैं सिखाता हूँ भैया फ्लूट सिखाते हैं, सो वी रियली वांट टू सेट अप समथिंग फॉर अप एंड कमिंग बीट बॉक्सर्स एंड फ्लूटिस्ट, सो दैट दे कैन लर्न एंड दे कैन परस्यू दिस एज देयर करियर। मेरा एक सपना है, जैसे गुरुजी के गुरुकुल में रह के मैंने सीखा मुंबई में, गुरुजी के गुरुकुल में गुरुजी पैसे नहीं लेते। अगर आप सचमुच में डेडिकेटेड हैं अपनी आर्ट के लिए, बांसुरी के लिए, तो गुरुजी पैसे नहीं लेते। गुरुकुल में आप रहिए, वो खाना रहना सब फ्री होता है, गुरुजी फ्री में सिखाते हैं। तो मेरा एक सपना है कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं कि जो भी लोग सीखना चाहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए एक ऐसा ही गुरुकुल बनाऊँ और
हालांकि इस प्राइज़ मनी में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे हेल्प तो ज़रूर होगी। ऐसा कुछ मैं करूँ कि जो भी सीखना चाहते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक या बांसुरी जो सीखना चाहते हैं उनको मैं विदाउट एनी फी सिखा सकूँ। बहुत मिस किया ऑफ कोर्स, बट सही बताऊँ तो यहाँ पे भी ना जो माहौल था वो बहुत अच्छा था, मतलब मिस किया बट नहीं भी मिस किया शायद मैं कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स माँ का जो प्यार होता है वो तो मतलब माँ ही कर सकती है, बट यहाँ पे भी हमें बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला और आई थिंक हमने इतना मिस नहीं किया, मतलब हम बहुत ऑनेस्ट हैं कि इस बारे में हमने इतना मिस नहीं किया क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था एंड आई थिंक वो माहौल जो अच्छा रहा उसकी वजह से ही हम जीत पाए। बिल्कुल दिव्यांश ने सही कहा कि उतना मिस नहीं किया क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, जो म्यूज़िकल लोग हमको मिले, इतनी अच्छी सोल हमको मिली वहाँ पे कि हमको ज़्यादा घर की याद नहीं आई। जैसे कि जजेस के बारे में अभी बताया कि जजेस का इतना प्यार मिला, फिर पीछे जो हमारे मेंटर थे आनंद शर्मा सर थे या हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनकी वजह से हमको ज़्यादा घर की याद नहीं आई, वो घर से खाना लेके आते थे हमारे लिए, हम साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं, साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, फिर डिनर कर रहे हैं, तो टाइम कब निकल गया पता नहीं चला। आई थिंक आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, मतलब आई थिंक इंस्पिरेशन ऐसी चीज़ है कि आप किसी से भी ले सकते हैं और कहीं पे भी ले सकते हैं, तो आई थिंक मैं सबसे इंस्पायर्ड हूँ सारे लोगों से। बट अगर आप म्यूज़िकली पूछोगे मुझसे तो सुनिधि चौहान मैम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्म करती है आई थिंक कोई नहीं करता। एंड स्किलर करके वर्ल्ड बीट बॉक्स चैम्पियन है 2012, आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, बिकॉज ऑफ हिम आई एम डूइंग दिस प्रोफेशनली। सो या जी, मैं अपने गुरुजी विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया गुरु जी से बहुत इंस्पायर्ड, और उनके ही पूरे जीवन का, क्योंकि वो भी उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक का नहीं था, उनके पिताजी पहलवान थे, हमारी फैमिली में भी ऐसा ही था कि हमारे म्यूज़िक के लिए कोई ऐसी फैमिली नहीं है कि कहीं से सीख के आए हैं, अपने हिसाब से स्टार्ट किया, फिर गुरु मिले, ढूंढते ढाड़ते दिल्ली गए, जयपुर गए, मुंबई आए, तो गुरु जी को देख के उनकी कहानी को पढ़ के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि गुरु जी ने जीरो से स्टार्ट किया था तो हम भी कर सकते हैं, और फिर फाइनली गुरु जी से मिले, उनसे सीखने को मिला। बाकी गुरु जी कहते हैं कि जिससे भी आपको जो सीखने को मिले अच्छी चीज़ें वो सीखना चाहिए। मैम जर्नी आई थिंक लंबी रही है और अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, बट बहुत मज़े आ रहे हैं और आई थिंक अभी ये जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 9 की ट्रॉफी हमने जीती है तो और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। हम ऑलरेडी सर्कस मूवी का बैकग्राउंड थीम कर रहे हैं बादशाह सर के साथ, सो वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड वी आर रियली ब्लेस्ड दैट पीपल आर रिकग्नाइजिंग आर टैलेंट्स एंड रिकग्नाइजिंग आर स्किल सेट्स एंड यू नो वो हमें बोल रहे हैं कि काम करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, सो वी आर रियली एक्साइटेड। इससे पहले भी हम लोग बहुत काम करते थे इंडस्ट्री में लेकिन उतनी पहचान नहीं बनी थी एज ए इंडिविजुअल आर्टिस्ट, लेकिन इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आने के बाद एज ए फ्लॉटिस्ट मुझे बहुत लोग अब जानते हैं, कहीं जब बाहर जाते हैं तो लोग पहचान जाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, ऐसे दिव्यांश के साथ भी है, तो काफ़ी अच्छा रहा है और आई होप कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। बस यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप ऑनेस्ट रहिए, लॉयल रहिए जो भी आप काम करते हैं, लाइक चाहे वो आर्ट फॉर्म हो, चाहे आप वो 9 to 5 एक जॉब कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट, बी लॉयल एंड बी हैप्पी। मैं सभी फैंस को कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से प्यार करते हैं, किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलती है, और जैसे कि हम अगर आप म्यूज़िक करना चाहते हैं और घर पे कोई अलाउ नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो मैं उन सभी पेरेंट्स से, सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उनको ना रोकिए, उनको करने दीजिए, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको आत्मा से कनेक्ट करती है, आपकी आध्यात्मिक, आपकी मानसिक और शारीरिक उन्नति करती है, तो प्लीज़ वो कीजिए जो आपको पसंद है।